रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी में एजी चर्च स्कूल प्रबंधन को तथाकथित वेस्टेड लैंड पर कब्जा दिलाने पहुंचे रानीगंज BLLRO की टीम को विरोध के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। एजी चर्च स्कूल प्रबंधन ने राजबाड़ी में 1.65 एकड़ सरकारी जमीन दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के खजाने में जमा किए थे कुल 2,17,237 रुपए, किंतु रानीगंज राज परिवार की सदस्य अनुराधा मालिया सराफ ने BLLRO टीम का विरोध करते हुए कहा कि ये हमारी देवत्य संपत्ति है जहां हमारे अति प्राचीन शिव मंदिर स्थापित हैं। আপনি কি পুজো করতে এসছেন তো বলুন আপনার পুজো করে দিচ্ছি। কিছু নোটিশ আমার কাছে তো আসা উচিত, আমরা এখানে কথা বলি। হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার এখানে আমরা ঢুকেছি, এদের বক্তব্য এরা কোনো নোটিশ পায়নি, মানে এটা ওদের দেবত্তর পার্সোনাল ল্যান্ড নয়, এটা আমাদের ক্রিমেশন গ্রাউন্ড আর দেবত্তর মন্দির আছে, রাজাদের জায়গা, দেবত্তর জায়গা। ওনারা বলছেন আমাদেরকে তো বিনা নোটিশে আপনারা এসেছেন। আমি ঢুকতে দেবো না, কাজও করতে দেবো না, কিছুই করতে দেবো না। তাহলে স্যার আপনি একটু ইয়েতে কথা বলুন, আমরা চলে যাচ্ছি, এনাদেরকে নোটিশ করে দিন। হ্যাঁ, নোটিশটা করে দিন। শিব মন্দির ব্রেক করে চার্জ করছে, ডাক মিডিয়াতে অ্যানাউন্স করলে অত আমি শুনবো না। আমি করতে চাই না, কিন্তু এবার বাধ্য হয়ে আমি করবো। আমি ওই আগুন লাগাবো রানীগঞ্জে যেটা কেউ বুঝতে পারবে না। এটা আমাদের দেবত্ব জায়গা, আমি 50 বার ওই স্কুলে 50 বার লোক পাঠিয়েছি যে আপনারা এইরকম করতে যাবেন না, আগুন লাগবে। এটা ইয়ার্কি নাকি হিন্দুস্তান আছে, খ্রিস্টানস্তান হয়ে গেল কি? বুধবার কি দোপহর রানীগঞ্জ BLLRO की टीम पश्चिम बर्धमान जिला DLLRO के निर्देश पर रानीगंज एजी चर्च स्कूल के लिए प्रस्तावित जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे, परंतु भारी विरोध का सामना करने के कारण उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दरअसल प्राचीन शहर रानीगंज में एजी चर्च अपना खुद का स्कूल खोलने के लिए लंबे समय से जमीन की तलाश कर रही थी और इसी तलाश के तहत एक खास जमीन अर्थात वेस्टेड लैंड को भी चिन्हित किया गया। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर पश्चिम बंगाल सरकार को वेस्टेड लैंड अधिग्रहण नियम के तहत सलामी और भाड़े के तहत 2,17,237 रुपए सरकारी खजाने में जमा भी कराया। इनमें सलामी के रूप में 2,15,70,812 रुपए और सालाना भाड़े के रूप में 1,29,425 रुपए शामिल है। ये वेस्टेड लैंड है रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत शहर के 34 नंबर वार्ड अधीन सियारसोल ग्राम के सियारसोल मौजा अधीन राजबाड़ी के निकट। इस दिन रानीगंज एजी चर्च स्कूल के प्रतिनिधि रानीगंज BLLRO की टीम के साथ प्रस्तावित जमीन को देखने पहुंचे और अधिग्रहण के लिए मापी करने पहुंचे थे। तभी रानीगंज राजबाड़ी राज परिवार से BLLRO की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रानीगंज राजबाड़ी राज परिवार की ओर से अनुराधा मालिया सराफ ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध किया। अनुराधा मालिया सराफ का कहना है कि ये जमीन देवत्य जमीन है, इस जमीन पर भगवान शिव की 5 काफी प्राचीन मंदिर हैं। इतना ही नहीं, इस जमीन पर हमारे परिवार के दाह संस्कार और अन्य अंतिम क्रियाकर्म के कार्य होते हैं। इन प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए काम भी चल रहा है। इतना ही नहीं, इस जमीन को लेकर अदालत में मामला भी विचाराधीन है। ऐसे में किस तरह सरकार ने इस जमीन को खास जमीन अर्थात वेस्टेड लैंड बोलकर एजी चर्च स्कूल को लीज पर दे दी, हम इसका भारी विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति हमारी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। उनको हमारे शिव मंदिर का जमीन जो बेहतर जमीन है वो एक उसी के पीछे वो क्यों पड़ेंगे? आज हमारे जो जो क्वेरीज हैं उसका जवाब लेकिन उन स्कूल अथॉरिटीज़ के पास नहीं है। वो जो कहानी बुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट ने दिया है। सबसे पहली बात, CS रिकॉर्ड में हमारा ये जगह शिव मंदिर रिकॉर्डेड है जो देवत्तर है। ये पर्सनल हम लोग के फैमिली का नहीं है, ठाकुर जी का है, शिव जी के नाम से है।
उसके बाद BLRO कैसे जो इसको बागान कर दिया मुझे नहीं पता, मतलब इसका रिकॉर्ड चेंज कर दिया। उसके बाद ये डांगा कर दिया, वो भी हमें नहीं। एक्चुअली बात क्या है कि ये राजबाड़ी के जस्ट ऑपोजिट है और यहाँ 5 शिव मंदिर है। आप देख रहे हैं पुराने शिव मंदिर, 1840 के 2 शिव मंदिर बने हुए हैं और बाकी 1915-1920 ऐसे टाइम के मंदिर हैं। और यहाँ हमारे पूर्वजों का दाह संस्कार होता था। अभी भी हमारी जब माता जी गुजरी थी या पिताजी गुजरे थे तो उनका दाह संस्कार यहीं पे हुआ। इस हिसाब से हम लोग इस पर ज़्यादा रिकॉर्ड के ऊपर गौर नहीं किया। नेचुरल है कि ये हमारे मंदिर का जगह है तो ऐसे क्या बात था। अब आज जब हम रिकॉर्ड थोड़े साल पहले हमने देखा तो हमने कोर्ट में केस किया, इंजंक्शन किया, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इलीगल एक्टिविटी हो रहा था। इंजंक्शन हमको मिला 1 महीने पहले। BLRO खुद कोर्ट में जाकर अपना बयान दिया, कागजात दिया कि ये हमारा स्टेटस क्या है ज़मीन का, उसी बेसिस पे हमको इंजंक्शन मिला। इसके बाद आप बताइए ये कैसे वो बोल सकते हैं कि ये वेस्टेड ज़मीन है, कुछ गड़बड़ कहीं है। यहाँ पे हमारे एक दो नेता हैं जो महान हैं और सुनने में आया है कि वो इसका समर्थन किए हैं और वही AG चर्च को हेल्प किए हैं ये ज़मीन को अक्वायर करने के लिए, वो उनके मदद कर रहे हैं। एनीवे आए थे, हमने जो बोलना बोला, हमने जो इसका विरोध करना था किया, जनरल पब्लिक भी इसका विरोध किया है और हमारे ख्याल से अब और विरोध होगा, क्योंकि अब जो हमारे सामने जो एक एक चीज़ आ रहा है वो आ रहा है कि ये छोटा मैटर नहीं है, ये एक प्रतिष्ठित जगह है सियरसोल राजबाड़ी के जस्ट ऑपोजिट। इधर बैरन लौटे रानीगंज BLRO की टीम ने कहा कि अब आगे जो भी होगा कानूनी कार्रवाई के तहत होगा, हम अपनी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट BLRO को भेज देंगे। इस बारे में रानीगंज AG स्कूल सूत्रों का कहना है कि हमने सभी नियमों के तहत सरकारी खजाने में 2,17,337 रुपए जमा कराए हैं। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे हमें लैंड मुहैया करवाएं ताकि हम अपने AG चर्च स्कूल का विस्तारीकरण कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बाछाई करा गम थेके तैरी स्वाद ओ गंधे मनेर पछंदे मनपसंद चक्की फ्रेश आटा मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।